समदड़ी कस्बे के स्टेशन आंगनवाड़ी केंद्र पर शुक्रवार को सरपंच कर्मा देवी व उप सरपंच सायरी देवी माली के नेतृत्व में गर्भवती महिलाओं एवं 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषाहार का वितरण किया गया। गर्भवती महिलाओं को पोषाहार स्वरूप चने की दाल का वितरण की गई। समदड़ी कस्बे के स्टेशन आंगनवाड़ी केंद्र पर शुक्रवार को सरपंच कर्मा देवी एवं उप सरपंच सायरी देवी माली के नेतृत्व में गर्भवती महिलाओं एवं 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषाहार का वितरण किया गया। गर्भवती महिलाओं को पोषाहार स्वरूप चने की दाल वितरण की गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नोजी देवी ने बताया कि 20 गर्भवती महिलाओं एवं 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों को पूरक पोषाहार वितरित किया गया। पोषाहार वितरण के दौरान आंगनवाड़ी आशा सहयोगिनी मीरा कंवर द्वारा महिलाओं को निःशुल्क मास्क भी वितरण किए गए। साथ ही कोरोना काल में सतर्कता बरतते हुए सावधानी बरतने की हिदायत दी गई। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से घर से बाहर नहीं निकलने, बार बार साबुन से हाथ धोने के साथ मास्क के उपयोग करने की सलाह दी गई। दाल है धात्री और गर्भवती को दिया हमने, और 0 से 5 साल बच्चों को दिया है, और सूप सरपंच को बुलाया हमने, और ना उप सरपंच और ना सरपंच को बुलाया हमने, ये वेतन कराया और ये दिए, मास्क भी वेतन करे हमने। सबको ये बताया कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, और सबको ये बोला है कि हाथ धोना बार बार, ये बोला है। कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंद व्यक्तियों, आवाजाही कर रहे राहगीरों को भी मास्क वितरित किए गए। वहीं सरपंच कर्मा देवी द्वारा वार्ड में विशेष रूप से साफ सफाई का ध्यान रखने की हिदायत दी गई, ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। पूरक पोषाहार वितरण के दौरान आंगनवाड़ी आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता गर्भवती महिलाएं उपस्थित रहीं।